ये गालबन 100-125 साल पुराना तो होगा। अब इसमें कम से कम भी 1, 2, 3 5 फैमिली आबाद हैं। अच्छा, ना लोहे के केले लगे हैं कुछ भी, अगर इन्हें सारे किला कट के असी वेट करिए तो 1.5 मन इन्हों का वजन हो जाए। देखो जी एडा शाही बंदा घर में खूब लाया पानी लोग बहुत बड़ी तारीख अपना खूह घर बंदा लेके इस घर में किसी जगह पे ये नाम मेंशन नहीं है या कोई नेम प्लेट्स वगैरह नहीं है यार, ये नाम नहीं है इसके नाम से ये मकान सिख थे जी, गुलाब सिख था कोई, गुलाब सिंह, गुलाब सिंह। अच्छा, मोहल्ले का नाम भी उसी सिख के ऊपर लगा हुआ है। क्या नाम? ये मोहल्ले का नाम है गुलाब वाला मोहल्ला, गुलाब वाला मोहल्ला, गुलाब सिंह, गुलाब सिंह पूरा मोहल्ला गुलाब वाला है। जंग जो था वो इलाका था और इधर पाकिस्तान बनने से पहले बहुत अमीर लोग रहा करते थे, हिंदू कम्युनिटी से वो बिलोंग करते थे उस हवाले से ना। ये चीज़ क्या बात है जी, जंग हैरान रह गए हैं जी, कौन लोग थे यार वो इतने बड़े घर, मतलब चाचू और हाँ हाँ बहुत, हमने तो बहुत कुछ देखा, थक गए 3 घंटे से, ख़त्म ही नहीं हो रहा काम, मतलब ना इतना सोच में पड़े हुए हैं जी, क्या चीज़ रिकॉर्ड करें क्या ना करें। ये भी जो आगे खड़े ये भी पुराने हैं। सही है, जंग की क्या चीज़ मशहूर है, होता है ना मतलब जैसे सकाफत के एतबार से अगर आप बताएं, जैसे कसूर की गुड्डी, मतलब जंग में तो जो मशहूर है ना, हाँ सियालकोट का पानी, जो हीर रांझे का दरबार है, हाँ वो हमने रिकॉर्ड कर रखा है, वो रिकॉर्ड किया हुआ है। नहीं पहनावे के हवाले से बात कर रहा हूँ, पहनावे के हिसाब से तो यही है बस, सिर्फ शलवार कमीज। अच्छा, अच्छा। और धोती वगैरह, हाँ पुराने लोग डालते थे धोती कुर्ता वगैरह। ठीक है, अभी इधर मतलब जंग में लोग वो धोती वगैरह भी वहाँ पहनते हैं, शाल वगैरह काम का वो चलता है, वो सारी चीज़ें। अच्छा अच्छा, सही है, ये देखें, ठीक सही, ये देखें जी कमाल, कमाल है, ये देख भाजी, एक तो एक वध के घर केड़ा छड़िए, केड़ा मतलब के दिल नहीं कर रहा ना इसमें जान, मैं थोड़ा तो सच्ची गल दसा, मैं तो गुआच गया जी जंग के बच्चे, मैं गुआच गया, हाय हाय। ये देखें पीछे भी, ये देखें या का नाब या का नस्ताइन, ये इस घर के ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी पुराना घर है लेकिन इन्होंने ना इसके ऊपर वो कह लेंगे प्लस्तर वगैरह कर दिया हुआ है, इसे दोबारा से रेनोवेट किया हुआ। ओ हो हो हो, किधर गए आप जी? मिलने में शुक्रिया। ये गालबन 100-125 साल पुराना तो होगा। अब इसमें कम से कम भी 1, 2, 3 5 फैमिली आबाद हैं। अच्छा, 5 फैमिलियों के बाद उसमें से चंद ये कि भाई इधर उधर दूसरे इलाकों में रहते हैं, ये इसलिए गैर आबाद पड़ा रहता है। ये इस घर का मेन डोर है जी, ये देखें 1.5-2 kg की ये जो इसकी जो कुंडी है वो होगी, ये डिज़ाइन चेक करें,
बड़ा घर जी, और ये आगे लिखा हुआ है GM ग्रामर स्कूल जंग, क्योंकि जंग सिटी में हम मौजूद हैं जी। ये देखिए जी, ये दरवाजा जी, ये सारे ना लोहे के किले लगे ने। कुछ भी अगर इन्हें सारे किलों को काट के असं वेट करिए, डेढ़ मन इन्हों का वजन हो जाए। दिखो जी एडा शाही बंदा घर बच्चे खूब लाया, पानी लोग खूह ठीक है, बहुत बड़ी तारीख। बड़े रात छुपे ने देख सा बस घर च ना, मैं नहीं यार बहुत शुक्रिया जी। वो खंबा नजर आ रहा है, घर शुरू हो रहा है तो उस घर का ना सी भी टोटल राजी दिखाने कि यार कमाल करता बंदे ने, मतलब एडा वा घर। देखो देख सब टोटल कोई एक एकड़ राजी होए, मुकम्मल इस तो घट नहीं। ओए होए होए शहर दे विच एकड़ दा घर वो है, हम पाकिस्तान में अपना खूह बंदर लेके बंदा देख ना, कई बड़े ज्यादे ने अंदर जाते हैं। ये दरवाजा ये आगे यहाँ से अंदर ये कमरे नहीं तो ये पाकिस्तान बनने के बाद की बात है, पहले की ये बाद की भी बात है, बाद की बात ये अभी अभी उतारी है, ये सही सही 30-40 साल जब हमारी पैदाइश के बाद ठीक हो गया। अच्छा ये उस एरिया का बैक हिस्सा है, इधर आइएगा अभी ऊपर हाँ ये ऊपर। वाह जी वाह। अच्छा ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां इस्तेमाल होती थी ये, और ये बड़ा सहन आ गया, ये सहनुमा है इधर से देखें क्या बात है। ये जी हवेली है, उसका ऊपर भी बकायदा रिहाइश है। क्या बात है, ये कमरे होते थे लेकिन अभी इसमें ये मालिक लोग है नहीं ना। अच्छा ये देखिए जी कमरे, ये कमरा बड़े भाई ये नाम इस घर में किसी जगह पे ये नाम मेंशन नहीं है, यहाँ कोई नेम प्लेट्स वगैरह नहीं है यार, ये घर वो नेम ये नाम नहीं है। इसके नाम से ये मकान सिख थे जी, गुलाब गुलाब सिख था कोई, गुलाब सिंह गुलाब सिंह कहने चाहिए। अच्छा अच्छा, उनका मोहल्ले का नाम भी उसी के सिख के ऊपर लगा हुआ है। क्या नाम, ये मोहल्ले का नाम है गुलाब वाला मोहल्ला, गुलाब वाला गुलाब वाला गुलाब वाला मोहल्ला, गुलाब सिंह गुलाब सिंह पूरा मोहल्ला गुलाब वाला है, ये गुलाब सिंह के नाम से था जी। ऐसे बाबा जी ने बताया था ना कि तीन बड़े सिख थे इस एरिया के, वो ये सरदार फैमिली है जी, कोई लैंडलॉर्ड
ये सात सर रहे हैं, स्कूल चलाते हैं सर, ठीक है, प्रिंसिपल है, उन्होंने भी कुछ इस बारे में मालूमात दी थी कि ना ये सिखों का था, सिखों का गुलाब सिंह नामी को, गुलाब पूरा मल्ला, गुलाब गुलाब वाला मल्ला उसी के नाम से, ये मल्ला बहुत बड़ा मल्ला है। अच्छा पूरा मल्ला गुलाब वाला मल्ला, ये अभी आप उस एरिया से निकले नहीं है, गुलाब वाला मल्ला पुराना। हाँ जी, क्या बात है, 3 घंटे हो गए आपको, 3 घंटे से आप इस एरिया से निकले नहीं है अभी, नहीं निकले ये अभी नहीं निकले, और सारा फिला भी नहीं है। हाँ जी, अभी शाम हो जाएगी, ऊपर भेज दे यार, ये तो 35 प्लस है। अच्छा, मुझे याद है अच्छी तरह, यहाँ पे हम खेलते थे, ऊपर ले चलता हूँ मैं आपको, यहाँ हम खेलते थे। अच्छा बात सुनिएगा बड़े भाई, आपके इधर जब आपने होश संभाला, कोई बंदा आया भी इधर जंग का, चाहे वो हिंदू चाहे वो सिख था, मतलब नहीं, अपने तारीखी वो तो आते रहते थे जी, हमारा हम यहाँ रहते थे, बुजुर्ग बातें किया करते थे बाद में, क्योंकि लोग वो परमिट पे वीजा लगवा के उस तरह भी आए हैं, हो के जाते थे जैसे आप लोग आए हैं इसी तरह हो के, भाई इसमें हम रहते थे, ये भी सीढ़ियां हैं। अच्छा, ये सीढ़ियां चढ़ के ये उस एरिया में जाना होता था। हाँ, उस एरिया में बेसिकली ये मतलब ये एक ही आदमी का था, लेकिन ये डिवाइड हुआ था 6-7 फैमिली, ये उसका भाई हो सकता है, उनका भाई साथ वाला जो था, वो उधर चले गए थे, जो वहाँ से आए हैं वो इधर, मतलब जिसको जहाँ रिहाइश मिली है वो वहाँ पर। आपके जो बुजुर्ग थे वो महाजर थे, माइग्रेशन करके इंडिया से आए हैं। जी जी, आपको पता है पीछे कौन सा एड्रेस था आपके बुजुर्गों का? पानीपत कहते हैं, पानीपत करनाल। अच्छा अच्छा, वहाँ से आपके बुजुर्ग जी जी जी, जिनको ये घर मतलब मिला उस वगैरह। जी ठीक, काफी घर हैं इधर के ना, पानीपत करनाल एरिया के, यूपी के तकरीबन यहाँ पे काफी घर उन्हीं के बैठे हैं, पानीपत वगैरह। को आप बरादरी कौन सी आपकी? हमारी ये अंसारी, शेख अंसारी। अच्छा शेख अंसारी, ठीक ठीक, क्या बात है, मतलब ये रास्ता जाता है ऊपर को जी। जी अभी हम जो इसका सेकंड फ्लोर है उधर जा रहे हैं जी। क्या माल हो गया जी, ये राजी जंग सिटी, ठीक है।